कांग्रेस जो बहुत अच्छा पार्टी था तो कांग्रेस में ही था पिछला 11 साल से, और जिस घर में मैं रहा और उसमें मुझसे क्या गलती हुआ तो मुझे पता नहीं है। तो कांग्रेस मेरा एक बचपन से एक मनपसंद वाला पार्टी था, इसलिए कांग्रेस को हम नहीं छोड़ा था। लेकिन इतना यहाँ से ग्रास रूट लेवल से रिकमेंडेशन, सिंगल रिकमेंडेशन गया मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी और PCC लेवल में भी, हमको बहुत पसंद किया और सब मतलब फेवर किया। लेकिन पता नहीं, कांग्रेस पार्टी तो ठीक है लेकिन पार्टी का जो लीडरशिप, अभी जो पार्टी में जो लीडर बैठा उसको मेरे में क्या कमियां नज़र आया वो मुझे पता नहीं। और जो पार्टी में जो घर में मुझे पसंद है वो घर में मैं कैसे रहूँगा। तो इसीलिए आज JDC जो जनता दल जो सेकुलर JDS जो जनता दल जो सेकुलर पार्टी में हम ज्वाइन हुआ है। JDS ऐसा है यहाँ अभी कर्नाटका में देखा जाए तो स्पेशली कांग्रेस को मैं नहीं छोड़ सकता कि JDS ऐसा है कर्नाटका में कांग्रेस और JDS का सरकार जो दोनों मिल के चलाता है। तो इसीलिए ये भी एक कांग्रेस का एक पार्ट है, एक तो मतलब पार्टी है कांग्रेस का साथ अलायंस है, तो इसीलिए मैंने ये पार्टी को चुना। देखिए यहाँ टक्कर देना उसका भी आदमी होगा, मेरा भी होगा। तो स्पेशली मेरा साथ जो पावर है, मेरा साथ जो यूथ पावर है और वुमेन पावर है और पब्लिक का पावर है, तो टक्कर मीन्स पब्लिक जिसको पसंद होगा उसी को ही देगा। तो मुझे पूरा विश्वास है जो यहाँ का यूथ का जो पावर और वुमेन पावर जो मेरा साथ है, और डेफिनेटली मैं ये रेस में विन हूँगा। ये चुनाव में कि मुद्दा है डेवलपमेंट का बारे में, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए, आप हेल्थ सेक्टर में देखो, आज कैपिटल में बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता है, तो वो सब का बारे में सोचना है। रास्ता का यहाँ कैपिटल का रास्ता ठीक नहीं है, क्यों बोलने से ईटानगर जो पूरा 25 डिस्ट्रिक्ट का ईटानगर है, वो बल्कि वो सिर्फ नहीं, ये ईटानगर जो पूरा इंडिया का ईटानगर है, जो ईटानगर को मिनी इंडिया कहते हैं। तो मेरा तरफ से पब्लिक से वही रिक्वेस्ट है कि ये ईटानगर का बारे में हमको पूरा इंडिया का आदमी को सोचना चाहिए और पूरा डिस्ट्रिक्ट का आदमी को सोचना चाहिए। और मेरा सोच वही है ये ईटानगर को एक नया दिशा में लेके जाने के लिए, अगर यहाँ का पब्लिक हमको सपोर्ट करके जिताता है, ये ईटानगर को 5 साल में कुछ ना कुछ मैं चेंजिंग करा के ही छोड़ूंगा।